कृष्ण में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूँ आपके साथ अमनदीप। पर्यटन जी से बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे मुंगेली की, जहाँ बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों ने नगर पालिका सीएमओ राजेंद्र पात्रे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्षदों ने सीएमओ पर जनप्रतिनिधियों से दुर्व्यवहार और मनमानी का आरोप लगाया है और इसके अलावा अनियमितताओं की शिकायत पर जांच और कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया है और कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर 7 दिवस में उन्हें हटाए जाने की मांग भी की है। पार्षदों ने सीएमओ को नहीं हटाने पर भूख हड़ताल और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। पार्षद अभी कुछ दिनों बाद, लगभग 3-4 दिनों का समय हमने एसडीएम महोदय को हमने दिया है और उसके बाद अगर उन पर किसी प्रकार का कोई कार्यवाही नहीं होता है तो हम सभी पार्षद भूख हड़ताल पर बैठेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, हम लोग जनता के चुने प्रतिनिधि हैं और हम लोग जनता से मतलब जुड़े समस्या, मूलभूत समस्या जैसे रोड, बिजली, पानी, इसके लिए मतलब सीएमओ साहब के पास जाते हैं, कुछ निवेदन करते हैं, उनके पास हमेशा टाल मटोल वाली नीति अपनाते हैं और कोई भी काम करने में रुचि नहीं करते और हर आदमी को डराते हैं कि मैं ऐसा कर दूँगा वैसा कर दूँगा, तो डर के नाम से पार्षद लोग वहाँ जाना छोड़ते हैं। आज की स्थिति में सभी पार्षद लोग, अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोग मजबूर हो गए हैं। मतलब मुंगेली के पार्षदों के द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी में शिकायत पत्र दिया गया और इस शिकायतों में 12 पॉइंट है, 12 बिंदुओं को पत्र में मैं कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराऊंगा और उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जाएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में मुंगेली से संवाददाता जुड़ गए हैं रोहित कश्यप। रोहित, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बता दूं कि नगरी निकाय चुनाव के बाद घर में चर्चाएं जोरों पर थी कि नगर पालिका के सीएमओ और जनप्रतिनिधि के बीच तालमेल नहीं जम पा रहा है। कहीं न कहीं इससे जो शहर का विकास है इससे अवरुद्ध तो होता ही है माना जा सकता है, लेकिन अब ये मसला जो है खुलकर सामने आ गया है। नगर पालिका मुंगेली के अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत बीजेपी और कांग्रेस के बड़ी संख्या में पार्षदों ने सीएमओ राजेंद्र पात्रे को हटाने को लेकर एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में बाकायदा 7 दिनों के भीतर सीएमओ को हटाने की मांग की गई है। अगर 7 दिनों में सीएमओ को नहीं हटाया जाता है तो उनके द्वारा उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा भूख हड़ताल करने की बात कही गई है। बताना चाहूंगा कि शिकायत में जिस तरीके से पार्षदों ने आरोप लगाया सीएमओ के खिलाफ उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि सीएमओ जो है वो जनप्रतिनिधियों के साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं करते। अगर रोहित, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ बीजेपी पार्षद जुड़ गया है रूपेश भारद्वाज। रूपेश, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी धन्यवाद, नमस्कार। रूपेश जी, जो आपके द्वारा दुर्व्यवहार का आरोप लगाया जा रहा है उसके पीछे का कारण समझना चाहूंगी आपसे। जी, नगर पालिका सीएमओ राजेंद्र पात्रे जी के द्वारा हम किसी भी कार्य के लिए जाते हैं, अपने वार्ड की समस्या को लेकर जाते हैं जी। तो उनके द्वारा उस समस्या को इग्नोर कर दिया जाता है और सीधा ये बोला जाता है कि आपका काम नहीं होगा, इस प्रकार का उत्तर देते हैं। रुपेश जी, ये सिलसिला कितने समय से जारी है? जी, लगभग जब से हम अभी नया हमारा जब चुनाव हुआ था उस समय से यह लगातार इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। जी, आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पे हमारे साथ में राजेंद्र पात्रे जुड़ गए हैं सीएमओ। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। थैंक यू मैम। जी राजेंद्र जी, आप पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, दुर्व्यवहार के आरोप लग रहे हैं और साथ ही पार्षदों का ये भी कहना है कि कोई भी कंप्लेन लेके अगर आपके पास जाते हैं तो आपके द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है और साथ ही उस जो काम होता है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्या कहेंगे? यह पूरी तरीके से गलत है कि कभी मेरे द्वारा कोई किसी से दुर्व्यवहार किया गया है जी। हाँ, और जो भी व्यक्ति काम बताते हैं और जो भी आवेदन आता है तो उसका विधि अनुसार कार्य किया जाता है और हमारे जो यहाँ पार्षद हैं नए नए बने हैं, कुछ लोग पहली बार बने हैं जी। और जब उन्हें बताते हैं कि ये प्रावधान है और इस प्रावधान के अनुसार काम किया जाएगा जी, तो उन्हें प्रावधान के अनुसार काम करना पसंद नहीं है। उनका कहना सिर्फ ये होता है कि अगर उन्होंने कह दिया तो वो काम होना चाहिए, चाहे वो प्रावधान में हो या ना हो जी। तो चलिए राजेंद्र जी, रुपेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं फोनों पर, उन्हीं से जान लेते हैं। आप तो कह रहे काम हो रहा है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब काम लेके जाते हैं तो आप ध्यान ही नहीं देते हैं। रुपेश जी जी, हेलो जी, बताइए।
जी जी मैम, एक्चुअली में क्या है, हम जब भी छोटी छोटी समस्याएं जैसे लाइट है और कुछ है, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, क्या उसके लिए भी कोई नियम कानून, ये सब जो मूलभूत सुविधा है उसके लिए भी नियम कानून की आवश्यकता है क्या? सीधी तौर में हम लोग एक लेटर के माध्यम से सीमो साहब को अवगत कराते हैं कि हमको लाइट की आवश्यकता है या अन्य सामग्री की आवश्यकता है हमारे वार्ड में जो समस्या है, तो उसके लिए भी। चलिए जवाब ले लेते हैं राजेंद्र जी से। राजेंद्र जी, लाइट की समस्या तो एक मूलभूत सुविधा है। हाँ बिल्कुल, जब भी ऐसे आवेदन आए हैं, है ना जी, ऐसे आवेदनों का नियमानुसार और निर्धारित अवधि के भीतर निराकरण किया जाता है, और इसके लिए शासन स्तर पर टोल फ्री नंबर भी दिया गया है 1100 में। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय 24 घंटे बिजली पानी या सफाई को लेकर के अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, और ऐसी शिकायतों का निराकरण हम लोग निर्धारित समय अवधि में करते हैं। जी चलिए रुपेश जी से पूछ लेते हैं, क्या कह रहे हैं रुपेश जी आप? जी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी, जल आवर्धन योजना के संबंध में। जी जल आवर्धन योजना के संबंध में हमारे जो मुख्य सचिव के पत्र दिनांक 7/3/2020 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि नियम अनुसार शासन के जल आवर्धन योजना का सहमति प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी नियम को ताक पर रखकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जी कर अपना तथा अपने चहेते ठेकेदार को काम कराकर भुगतान कर दिया गया। इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूँ सीमो उनकी। चलिए राजेंद्र जी से इसका भी जवाब ले लेते, क्या कहेंगे राजेंद्र जी? मैम इसके संदर्भ में ये है कि जो विभागीय विभाग से जो जल आरक्षण के संबंध में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, मीटिंग में डिसीजन हुआ है जी कि उस कार्य को कराया जाना है, और इसके लिए बीच में हमने मार्गदर्शन भी लिया था, मार्गदर्शन उपरांत हमें कार्य कराने के लिए कहा गया है, और इसमें अध्यक्ष महोदय के द्वारा इन कार्यों का उक्त बिंदुओं के होते हुए भी उनका भुगतान किया गया है। अतः यह कहना कि वो कार्य अनुचित है और उनके द्वारा लगातार भुगतान भी किया जा रहा है, यह समझ से परे है कि वो दोहरी बात किस तरह से कह सकते हैं। ये इस प्रकार क्योंकि हम लोग नियमानुसार भुगतान हो रहा है जी, पर राजेंद्र जी कुछ तो वजह रही होगी ना कि बीजेपी के पार्षद और कांग्रेस के पार्षद दोनों ही आपका विरोध कर रहे हैं, क्या इस वजह को आपने कभी भी जानने की कोशिश की? आप कह रहे हैं नए नए पार्षद हैं इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ मैम, इसमें निश्चित है कि इनके जो निजी स्वार्थ हित है वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं जी, यही एक कारण है कि वो लोग विरोध कर रहे हैं जी। तो चलिए अब ज्ञापन तो आप लोगों ने सौंप दिया है, अगर कोई कार्रवाई होगी तो उसी में ये निकलकर सामने आएगा कि आखिर गड़बड़ी कहाँ हो रही है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ में संवाददाता जुड़े हुए हैं मुंगेली से रोहित कश्यप। रोहित, आपने सुना कि साफ तौर पर खारिज कर दिया गया जो भी आरोप लगे थे, और बावजूद ये कहा जा रहा है कि नए नए पार्षद हैं इसलिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं। देखिए बताना चाहूंगा कि फिलहाल जो पार्षदों ने शिकायत किया है कलेक्टर के नाम एसडीएम को, एसडीएम साहब से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि कलेक्टर साहब से इस संबंध में जो भी मार्गदर्शन मिलेगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अब देखने वाली आगे की जो बात होगी कि इस पूरे मसले पर जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो शहर की जो राजनीति है नगरी प्रशासन क्षेत्र की, वो एक बार जरूर यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से पूरे जो कांग्रेस और बीजेपी की पार्षद है वो सीएमओ के खिलाफ आ जाते हैं और जिला प्रशासन की शिकायत करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सियासी गलियारे में जिसकी चर्चा जोरों पर है, और कहीं ना कहीं जो एक बात भी माननी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर जैसे जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच में अगर तालमेल नहीं बन पा रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो है शहर के लिए सही नहीं है, क्योंकि इसके विकास कार्य अवरुद्ध जरूर होगा। चलिए रोहित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।